एवरीवन, कैसी हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं जल्दी किसी को शेयर नहीं करती हूँ, और ये चीज़ें कहा जाता है कि शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ घटी है जो आपको लोगों को बताना चाहिए, तो डेफिनेटली उसको बताना चाहिए। तो आज मैं आपको कान्हा जी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर में रखे हैं, तो लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं, वो आपको खुद प्रमाण देंगे इस बात का कि वो आपके घर में जीवंत है। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं होती है, वो जीवंत होते हैं। और एक लड्डू गोपाल ही एक ऐसे भगवान है जिनको कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल रखा है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लड्डू गोपाल को अगर रखते हो तो वो अपने होने का संकेत आपको कुछ इस तरीके से देते हैं। बात शेयर करना चाहती हूँ जो दीपावली की ही है, और आपको ये सुन के बेहद आश्चर्य होगा कि ऐसा भी होता है दीदी। तो हाँ, होता है, मेरे साथ हुआ है। जैसे कि क्या हुआ था कि दीपावली से पहले मैं और मेरे हस्बैंड प्लान कर रहे थे कि इस बार हम धनतेरस पे क्या लेंगे। तो धनतेरस पर लेने का हमारा प्लानिंग इस बार बिल्कुल कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ भगवान का दिया है और हमको ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था कि हमको लेना चाहिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि नहीं, इस बार मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लाला के पायल बनाएं, और वो भी घुंघरू वाले पायल, क्योंकि मुझे ना उनकी घुंघरू की साउंड सुननी थी। और मैंने ऐसा सुना था कि जब आप लाला के पैरों में पायल डालते हो ना, तो वो एक ना एक दिन आपको उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाते हैं। भाव है ये, और अगर आप भाव जैसा रखोगे ना, वैसा आपको रिएक्शन आएगा। तो मेरे मन में ये चीज़ थी कि नहीं, मैं लाला के जो पायल है वही इस बार धनतेरस में मैं बनवाऊंगी। और मैंने ऑर्डर दे दिया जाके ज्वेलरी शॉप में कि मुझे ये लाला के साइज़ से पाऊँ की, और आप मुझे इसको बनवा दो। ज्वेलरी वाले ने बोला ठीक है, हम बना के दे देंगे। मैं ठीक धनतेरस के दिन उनके वहाँ गई और उस पायल को लेने के लिए। तो मैं अपने लाला को साथ लेके गई कि मैं उनको पहना के देखूँगी। वहाँ गई, वो पैर जो पायल थी वो छोटी हो गई साइज़ में, और मतलब मेरे तो दिमाग से ही आउट हो गया कि मैं इसको नापी करके लेके आई थी, ये छोटी कैसे हो सकती है। लेकिन वो पायल छोटी हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि भैया कुछ रेडीमेड है तो दिखाइए आप। तो उन्होंने क्या किया, मुझे कि पूरा सेट आता है ना, जो इसमें गला का, कान की बालियाँ, जितनी भी चीज़ें होती है, कमरबंद हो गई, पायल हो गई, वो सारी मुरली हो गई उनकी बांसुरी। तो उन्होंने मुझे चांदी की पूरा सेट दिखाया। तो मैंने देखा, मैंने उसके पायल को उतरवाया और कान्हा जी को नपवाया। मैंने कहा कि कान्हा जी को पहनाइए आप, और वो कान्हा जी को उन्होंने पहनाया। कान्हा जी को एकदम परफेक्ट साइज हो रही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, इसको आप वापस से रख दो, क्योंकि दिवाली के दिन मैं इनको इसका पूजा पाठ करके, आज क्योंकि धनतेरस है तो मैं उनको पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं दिवाली के दिन अपने लाला को सजाऊंगी। मैंने पहनाया उनको। आपने मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, उसमें मैंने इस चीज़ को शेयर भी किया है। तो मैंने लाला को पायल पहनाया, और मैंने लाला को जैसे पायल पहनाया गाइस, वो पायल जो था फिर से छोटा हो गया, फिर से छोटा हो गया। और मैं इतना सरप्राइज हो गई कि ये तो मैं नपवा के लेके आई हूँ, कि ये पायल तो लाला के पायल है। अब आपको मैं बता दूँ कि मेरे घर में राधा रानी भी है। तो मैंने वो पायल को बस अटका के उनको पहनाया, क्योंकि मैंने उनके लिए खरीदा था। लेकिन जब मैंने उस पायल को रात में उनको सुलाते समय खोला, और मैंने ऐसे ही मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना मैं राधा रानी को पहना के देख लूँ, शायद इनको हो जाए, और उनको वो पायल परफेक्ट साइज हुआ। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं लिटरली कि मतलब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैंने तो कान्हा जी के लिए पायल लाई थी, उनको नपवा के पायल लेके आई थी, मेरे को वो पायल उनको हो ही नहीं रहा और वो राधा रानी को हो गया। तो ये बहुत बड़ा सच्चाई है गाइस, ऐसा होता है, आप ही सोचो ऐसा कैसे संभव है। तो वो साक्षात हैं। आप कभी भी आपके मन में कोई भाव आए, आप बहुत दुखी हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, भले आपके घर में कान्हा जी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ना हो, कोई बात नहीं है, आप कान्हा जी की जो भी फोटो होगी कृष्ण जी की, आप उनके सामने बैठिएगा। विष्णु जी भी कृष्ण जी है, राम भी कृष्ण ही है, आप उनके सामने बैठिएगा और आप अपने मन का दर्द कहिए। आपको
जरूर से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मैं भगवद गीता का पाठ करती हूँ, माला करती हूँ डेली, तो मेरे अंदर अभी ये चीज़ें चेंजेस आ रही है और मैं अपने आप में ये चीज़ देख पा रही हूँ और मैं अपने लाला को देखती भी हूँ। मुझे वो दिखते हैं, जब मेरा मन बहुत व्याकुल होता है ना तो वो मेरे सपने में आके मुझे दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मेरे जीवन में मुझे एक चीज़ पता है कि जो मेरे लिए परफेक्ट होगा मुझे मेरे लाला दे देंगे। मैं इसीलिए ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेती हूँ और ना मेरे अंदर में ये चीज़ है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिला है, ये चीज़ क्यों नहीं मिला है, ये चीज़ मुझे मिलना चाहिए, ये भाव मेरे अंदर है ही नहीं। तो आप किसी भी भगवान को मानते हो ना, आप भले भगवान नहीं कहता कि मेरे लिए भूखे रहो, भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम चार टाइम मेरे को अगरबत्ती जलाओ, दिए जलाओ, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, भगवान ये बोलता है कि सच्चे मन से तू बस मुझे याद कर, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे तुम क्या धन दोगे, मुझे तुम क्या चढ़ावा चढ़ाओगे, मुझे तुम क्या देने वाले हो, ये सब तो मैंने ही तुमको दिया है, तुम मुझे क्या दे रहे हो। तो हम क्या सच में हम उनको दे सकते हैं कुछ? दे सकते हैं, अपना समय, अपना प्रेम, अपना अटूट विश्वास, अटूट विश्वास, वैसा विश्वास जिसके अंदर एक बाल जैसा भी आशंका ना हो, वैसा विश्वास। आपको देखना, वो दिखेंगे, आपको महसूस होगा, आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे उनको। तो ये चीज़ें हैं, मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें बहुत घटित हुई है जब से मैं लाला जी को लेकर आई हूँ। मेरे मतलब मेरे घर में हर दिन एक ऐसी घटना घटती है। आप अगर जानना चाहोगे मैं आपको हर ब्लॉग में, हर वीडियो में वो चीज़ें शेयर करूँगी। कान्हा जी को कैसे नहलाना चाहिए, कान्हा जी को कैसे रखना चाहिए, कान्हा जी को क्या खिलाना चाहिए, कान्हा जी को किस दिन कौन से वस्त्र पहनाने चाहिए, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे बेहद अच्छा लगता है कान्हा जी के बारे में बात करना। और आज अभी जो मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ ना, ये मैं सत्संग ही कर रही हूँ, मैं कान्हा जी का सत्संग कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं आपकी आंचल दीदी ऐसी ही है और मैं अपने लाला पे बहुत विश्वास करती हूँ। और जब भी मुझे मेरा मन में थोड़ा सा भी डाउट आने लगता है ना, मुझे मेरे लाला जी, देखिए मम्मी बोलिए, हाँ, मुझे मेरे लाला जी जता देते हैं कि मैं हूँ, तू क्या सोच रही है, मैं हूँ। इसीलिए गाइस, जिस भी भगवान को मानते हो ना, उनके पर भरोसा रखो, कुछ भी करोगे कुछ नहीं होगा, वही होगा जो वो चाहेगा, है ना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए अच्छा लगेगा उसी को जो कि थोड़े से धार्मिक होंगे, जिनको भगवान पे विश्वास होगा, ऐसे ही किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और लगे या ना लगे, लेकिन मेरे लाला की भक्ति करना मेरा काम है। और फालतू की चीज़ें बोलने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने लाला की बात करूँ, है ना। तो इसीलिए गाइस, अगर आपको भी कान्हा जी से या किसी भी भगवान को आप मानते हैं, कौन से भगवान को मानते हैं, आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर से इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से, राधे राधे।